हेलो हिमानी, वेलकम टू द क्विंट। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। आप केबीसी सीजन 13 की पहली करोड़पति है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है अभी? आपका बचपन से सपना रहा था केबीसी जाने का और अभी आप मैम जीत। लग रहा था जो जो सपने देखे थे शायद उससे ज्यादा चीजें मिल गई आज मुझे। कल प्रोग्राम होने के बाद, करोड़पति बनने के बाद जो एटमॉस्फेयर है ना, मैं बता नहीं सकती मैम। केवल मैं ही नहीं, पूरी कॉलोनी एंजॉय कर रही है। हमारी फैमिली तो होती होती, पूरी कॉलोनी एंजॉय कर रही है इस टाइम पर। लग रहा है कि जो सपना देखते थे सोचते थे आज भगवान ने उससे ज्यादा दे दिया है। छोटे से बहुत शौक था कि मैं भी एक बार टीवी में जाऊं, और एक बार टीवी में आना चाहती थी मैं भी। फिर जब केबीसी स्टार्ट हुआ ना, वहां का उसका पूरा प्रोसेस देखा, मैंने कहा यस, ये तो बहुत अच्छा गेम है, इसमें तो हम स्टडी करके जा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उसी टाइम डिसाइड किया था कि यस, वन डे मुझे भी अमिताभ सर से मिलना है और इस हॉट सीट पर जरूर बैठना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैम चीजें प्लान हुई। और जब शौक होता है ना, बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है तो चीजें अपने आप रास्ते बनाते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स के संग बैठ कर केबीसी का गेम खेला करती थी, क्विज वाला। तो मेरा जीके वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ स्टडी करना, और इवन मैं उसमें खुद अमिताभ सर भी बनती थी। देन धीरे धीरे करके मेरा, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट हुआ, तो मेरी जीके पे कमांड और भी ज्यादा अच्छी से हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने अपना टीचर के लिए प्रिपरेशन किया, तो और भी ज्यादा जीके अच्छा हो गया। तो बहुत लंबी जर्नी है केबीसी की, कोई छोटी जर्नी नहीं है कि, या फिर बोला जाए कि कुछ मंथ्स ईयर का स्टडी या स्ट्रगल, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत पहले से प्लान्ड वे में था सारी चीजें। तो आपने लेकिन हर सवाल का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप दे रही थी, एंड वी वर ऑल इन ऑल। तो आपका प्रेपरेशन, जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गई है, अब तो आपका प्रेपरेशन कैसा था? आपने तैयारी कैसे की केबीसी के हाँ, लिए? जब ये पता चला कि मुंबई जाना है, तो जैसे पहले से प्रेपरेशन चल रहा था उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। मतलब जो स्टडी चल रहा था वो बहुत ज्यादा, मतलब सपोज दैट अगर मैं 4 to 5 hours स्टडी कर रही, तो अब मैंने 8 to 9 hours स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैम, मैं ऑडियो से पढ़ती हूँ सारा, है ना। जैसे मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज हूँ मैं, तो मुझे सारा मैं अपना ऑडियो नोट्स बनाती थी। तो मुझे लग रहा है शायद मैंने अभी इसी जून टू जुलाई के बीच में, मतलब ये केबीसी वाला जो ड्यूरेशन था ना 1 month का, इसी बीच मैंने अपने 600 ऑडियो नोट्स बना डाले थे और उनको फिर रिविजन करती थी। और उसके अलावा जब मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी ऑडियो से पढ़ पढ़ के, फिर मेरी चेतना दीदी, भाई रोहित, पूजा, मतलब ये लोग बैठ के आकर रीड करते थे वो सारा, तब उससे स्टडी हो पाती थी। हमारी जाहिर सी बात है कि बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे दे वर स्लाइटली मोर एट एन एडवांटेज, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही क्विकली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप पहली कंटेस्टेंट थी वीक की। और केबीसी शो का पूरा डिजाइन और इंटरफेस है जो उसने, उसमें आपकी कितनी मदद हुई उससे, और कितना मुश्किल या आसान था आपके लिए मैम ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, केबीसी का जो पूरा सफर रहा ना, जो इतना बेस्ट आप देख पा रहे हैं, मैं इतना पॉजिटिव वे में खेल रही थी, इतनी अच्छी जल्दी आंसर दे रही थी, ये सारा क्रेडिट जाता है केबीसी की टीम को मैम, सोनी टीवी की टीम को। बिकॉज ऑनेस्टली मैम, इतनी ज्यादा पॉजिटिव टीम आज तक मैंने कभी नहीं देखी। मतलब इतना ज्यादा अवेयर, इतनी ज्यादा सेंसिटिव हर एक चीज को लेकर, मतलब एक सेकंड के लिए भी माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही वहां पहुंचे ना हम लोग सेट पर, इवन सेट पर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले से इतना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक कि हिमानी मैम ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, सब आप कर लोगे। मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था, मोटिवेशन मिल रहा था हर एक टीम मेंबर से, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, बहुत पॉजिटिव। तो उन सब चीजों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा मेरे लिए मैम, उसी की वजह से मैं आगे पहुंच पाई। और सेकेंडली, जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पूछ रहे थे ना, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं यहाँ जिस ऑब्जेक्टिव से आई हूँ मुझको वो अचीव करना है, बाकी मुझे कोई मैटर नहीं करता कि कौन आता है कौन नहीं आता। बस मेरा ये था कि हाँ, मुझको जिस ऑब्जेक्टिव से मैं यहाँ पर आई हूँ, बस मैं वो पूरा कर पाऊँ, वो माइंड में था। बाकी क्वेश्चन माइंड में था और आंसर आता गया, मैं लगाती गई। 7 करोड़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और बहुत, मतलब करेक्ट डिसीजन था क्योंकि बहुत ही रिस्की था। तो लेकिन इन दैट मोमेंट, उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, कैसे आपने डिसीजन लिया उस वक्त अंडर प्रेशर? मैम मेरे माइंड में एक चीज बहुत क्लियर थी, क्योंकि मैं 1 करोड़ विन कर चुकी थी, सामने 7 करोड़ था। अमाउंट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा था, लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा था। जरा भी मेरा
रिस्क लेती और मैं गिरती तो मैं डायरेक्ट 3-20 पर आ जाती। मतलब मुझे उस समय इतना अफसोस होता अगर जस्ट इन केस ऐसा होता ना तो शायद मैं लाइफ टाइम इस चीज को लेके सोचती रहती कि मैंने उसी समय गेम क्विट क्यों नहीं किया। और फिर जब मैं 100% श्योर नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे क्विट कर देना चाहिए बिकॉज 1 करोड़ का अमाउंट मैम एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से जो मेरी प्लानिंग थी दिव्यांग सेक्शन को लेकर तो मुझे लग रहा था कि मुझे यहीं पर क्विट करना चाहिए अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। और मुझे सही भी है, मेरा डिसीजन एकदम ठीक था इसलिए। तो हिमानी आप जब से शो से वापस घर आई है आई एम श्योर आपको रोज लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड जैसे आपने कहा आप टीचर है तो आप जब स्कूल वापस गई तो आपके स्टूडेंट्स ने भी शो देखा होगा तो जब से आप घर वापस आई है तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मैं बता नहीं सकती, अभी भी मैं आ रही हूँ पता है कल भी, मतलब कल से जो हमारी कॉलोनी का एटमोसफेयर है ना शायद उनको वीडियो में देखा जाए तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब हर जगह में पता कैसा लग रहा है जैसे फेस्टिवल नहीं होता है, फेस्टिवल है, दिवाली है, होली, लोग इंजॉय कर रहे हैं एकदम, बहुत ज्यादा ढोल बज रहा है, उस टाइप का एटमोसफेयर हो गया, लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल आ चुका है आगरा में, सब इतना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और इवन पता है सबसे ज्यादा खुश फैमिली में हमारे जीजू है मैम स्पेशली, मतलब वो अपना जयपुर से सब कुछ प्लान व्लान छोड़ के सारा अपना पूरा जॉब वॉब की चीजें हटाकर वो यहाँ पर आके और बहुत अच्छे से मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था उन्होंने यहाँ पर, तो बहुत ही मजेदार। और जो बैंड वैंड का अरेंजमेंट, फूल माला का बरसात करवाना, बहुत अच्छा उनका सरप्राइज था मेरे लिए। तो अब हिमानी अब आगे क्या, आप जो धनराशि आपने जीती है उससे आप क्या करना चाहेंगे? मैम धनराशि का बिल्कुल क्लियर है मेरा, मैंने अभी तक जितना बताया, जैसे मुझे सबसे पहले मैम एक इंक्लूसिव कोचिंग स्टार्ट करना है कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए जो कि स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए, और पता है क्या उसमें हर टाइप के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए होगा जिसमें मैं उनको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराऊंगी, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, प्लस इनके संग संग वहाँ जनरल स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिससे इंक्लूजन होगा, वहाँ एक दूसरे की हेल्प से लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट मेरे माइंड, मुझे लग रहा है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है तो वो उन सबके बीच में कैसे पढ़ेगा। सिंपल है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है ना वो उसी क्लास में बैठ के पढ़ेगा, वही लेक्चर पढ़ेगा, लेकिन उस लेक्चर को इंटरप्रेट करने के लिए उसके लिए अलग से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखूंगी मैं। जो विजुअली चैलेंज होंगे उनके लिए अलग से ऑडियो कंटेंट रखा जाएगा, पूरा पूरा उनको ऑडियो रिकॉर्डर्स में पूरे क्लिप्स दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज वालों के लिए हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगे, रैंप और लिफ्ट वगैरह, जिससे पूरा इंक्लूजन हो। और एक्चुअली मैम यूनिवर्सिटी है बट आज तक ऐसा कोई कॉम्पिटिशन के लिए कोचिंग नहीं बनाया इंक्लूजन वाला, दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है ये मुझको करना ही करना है। एंड सो थैंक यू हिमानी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू।